अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपकी व्यूअर्स आपकी होस्ट आयशा महफूज आज आपके लिए लेके आई है मैंगो शेक, जो कि बाकी शेक से थोड़ा डिफरेंट है और अफादियत में भी ज़्यादा अहम है, जो कि बहुत मुफीद है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हमारा शेक कैसे डिफरेंट है, जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को साथ ही प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिल सकें। तो अब हम चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हमारा मैंगो शेक जो है वो बाकी शेक से कैसे डिफरेंट है, हम इसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं मैंगो, जो कि मैंने दो मैंगो लिए हैं और इनको पील ऑफ कर लिया है और साथ ही स्लाइसिस में कट कर लिया है। ये मैंने यहाँ पर बनाया है सागुदाना, सागुदाना सभी को बनाना आता है और नहीं बनाना आता तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें बता दूंगी कि कैसे बनाते हैं। तो ये हमने सागुदाना लिया है और ये मैंने लिया है दूध और ये है शक्कर। दूध मैंने लिया है यहाँ पे 2 कप, शक्कर ली है मैंने यहाँ पे 6-8 टेबलस्पून और सागुदाना लिया है मैंने यहाँ पे 3-4 कप। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे शेक बनाएंगे। जी तो व्यूअर्स, अब जो है हम लोग अपना शेक बनाने लगे हैं। तो मैं सबसे पहले जो है वो ब्लेंडर में डालूंगी सागुदाना, ये हमने अपना सागुदाना डाल दिया है ब्लेंडर में। सागुदाना हमने डाल दिया है, अब हम डालेंगे अपने मैंगो स्लाइसेस। जी तो व्यूअर्स, मैंगो हमने डाल दिया है, अब मैं इसमें डालूंगी 2 कप दूध। और ये हमारी शक्कर, जी तो व्यूअर्स चीज़ें हमने सब डाल दी हैं, अब हम अपने ब्लेंडर को चलाएंगे। दो मिनट तक हम ब्लेंडर चलाएंगे। जी तो व्यूअर्स, शेक हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसको सर्व करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा मैंगो शेक रेडी टू सर्व है, बहुत ही मुफीद है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे इसको बहुत शौक से पियेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।